वनमंडल के कार्यालय कंपाउंड में हो रही चोरियों के आरोपी को किया गिरफ्तार। विगत कई दिनों से वनमंडल के कार्यालय के कंपाउंड में साइकिल चोरी एवं अन्य सामान की चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कैंपस में नजर रखी गई तो एक आरोपी को पकड़ा गया। चोर को पकड़ने के बाद वनमंडल कर्मचारियों ने डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डायल 100 ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी पर पूर्व में भी स्मैक संबंधी अपराध दर्ज है। चोरी क्यों कर रहे थे? अरे सर, दो लड़के साथ में आ गए थे, मैं उनको लेके आ गया। मैं तो कौन कौन थे साथ में? कौन कौन मांगेंगे कैंट के दो लड़के? कौन लड़के? राशिद और रवि। तो क्या करने आए थे यहाँ पे? सामान ले आते हैं सर, दो तीन बार देख लिया मैंने उनको। मैं उनको साथ आया, कहने लगे कि तू नशा करा देंगे, चल साथ में। क्या सामान ले ले आते हो यहाँ पे? जो पीछे से सामान ले आते हैं, पीतल मीतल और लोहे लंकर। क्या करते हो उसका बेच के? उसने दे दिया सर किसी को, जो पता नहीं किसको दिया। क्या करते हो फिर उसका बेच? नशा करते हैं सर। नशा माल इसमें एक, इसमें एक का तुम भी करते हो नशा? नशे के चक्कर में तो आई गए, दिल्ली में तो कभी नहीं आता इधर। यहाँ पर हमारे जितनी साइकिलें रखी हुई थी, इनको मतलब कहीं दिनों से लगातार कुछ ना कुछ चोरी करते रहते हैं, नशे की आदि है ये लोग। दो तीन आदमी यहाँ पर पकड़े गए हैं जो स्नैक्स का नशा करते हैं, और संभवतः ये पहले भी यहाँ पर लोहा हुआ जो पड़ा रहता है इधर कैंपस में, इनको पहले से भी ये मतलब आदतन अपराधी है, तो आज ये पकड़ में आ गए हैं। अच्छा, इन लोगों को आप लोगों ने पकड़ा था? हाँ, हमारे स्टाफ ने पकड़ा था इनको। आवाज़ सुनाई थी यहाँ साइकिलों की, तो फिर उन्होंने देखा कुछ आवाज़ किसी आ रही है, तो जाके देखा तो ये आदमी छुप के बैठा था घर के अंदर। किस जगह का मामला है सर ये? ये वनमंडल गुना के कैंपस का मामला है।